नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रियंका मिश्रा। आप देख रहे हैं केपीपीएन न्यूज। संगठन के विस्तार हेतु हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई गोष्ठी। संगठन के विस्तार हेतु हिंदू युवा वाहिनी की गोष्ठी शंकरगढ़ ब्लॉक के लोहागरा विद्यालय में की गई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे अमित प्रताप सिंह ने कहा कि गरीब तबके के लोगों के विकास के लिए हम सतत प्रयत्न करते हुए योगी जी का उद्देश्य संपूर्ण बुंदेलखंड का विकास हिंदू युवा वाहिनी में जुड़कर ही संभव किया जा सकता है, जिसमें शंकरगढ़ को अहम मानते हुए कहा कि शंकरगढ़ का सबसे ज्यादा विकास और प्रगतिशील विकास खंड बनाने की हमारी प्रमुख योजना है, जिसमें उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी संगठन किसी पद का मोहताज नहीं होता, इसलिए हमें और आप सबको सेवा भाव रखते हुए बिना पद के समाज के उत्थान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू युवा वाहिनी का एक एक सदस्य पूर्ण निष्ठा के साथ यदि वह जुड़ गया या कार्य कर रहा है, तो वह अपने गाँव की सभी समस्याओं को सीधे अधिकारियों तक कह सकता है, उनके संज्ञान में दे सकता है, उसका समाधान भी करवा सकता है। हिंदू युवा वाहिनी सभी योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को एवं सरकार की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। बहुत लोग बोलते हैं हम थाने जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका गठन इसलिए किया है कि हम लोग जाएं, गांव तक पहुंचे, कहां किसकी समस्या है उसकी सुने और उसका निवारण करें। ये जरूरी नहीं कि उसका निवारण प्रशासन करेगी। हम सब मिलके एक पंचायत, पहले पंचायत हुआ करती थी, पंचायत निवारण करती थी।